हेलो गाइस वेलकम टू शेयर बाजार की बात की थी हमने वहाँ अच्छा मूव आया एन टी में ठीक ठाक मूव है आ, कैनरा बैंक में ठीक ठाक मूव आया इस समय उसके अलावा पी वी आइनॉक्स में मूव है एक बार लेकर आइए अब आप इंटरग्लोब एविएशन ये स्टॉक अब पिछले हफ्ते पाँच हज़ार क्रॉस किया था, था, था इसने फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हेमा इंटरग्लोब एविएशन क्या व्यू है स्टॉक पर अब ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है कंपनी की और एक तरह से गोल्डी लॉक सिनारियो आउट हो रहा है जहां पे कि ट्रैफिक इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों में काफी मजबूत है और क्रूड के दाम भी थोड़े से नीचे आ चुके हैं और जो बाकी एयरलाइंस है लिस्टेड स्पेस में वो उतनी स्ट्रांग नहीं है इंडिगो को कुछ मीनिंगफुल फाइट देने के लिए तो आप लगातार देख रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है खाली एक ओवरहैंग ये था कि जो प्रमोटर थे उनका जो ब्लॉक्स आ रहे थे या जो सेलिंग आ रहा था और वो भी आजकल तो उसमें भी लोग उसको शग ऑफ कर रहे हैं तो एवरी टाइम देर इज अ ब्लॉक यू नो द स्टॉक परफॉर्म ही कर रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें कोर होल्डिंग में रखने लायक स्टॉक है हालांकि स्टॉक रनअप हो चुका है वैल्यूएशन से थोड़ा सा आपको लगेगा महंगा है पर मार्केट अनुज ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी वाले जो पॉकेट है वहां पे वैल्यूएशन देने से कतराता नहीं है तो बहुत ही पॉजिटिव व्यू रहेगा इंडिगो में एट दिस पॉइंट आई थिंक यहां से भी 20-22 परसेंट की इजीली इजिली दे सकता है